second degree equation second degree equations. देखो भाई सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल समझते हैं, पॉलिनोमियल ए एक्स टू दी पावर एन बी एक्स पावर एन माइनस वन सी एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 कितना के इक्वल टू जीरो, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, एनथ डिग्री इक्वेशन, nth डिग्री इक्वेशन है। उसके बाद अगर इसमें हम लिख दें एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कितने डिग्री का है, एग्जैक्टली दिस इज सेकेंड, क्योंकि इसकी डिग्री टू है इसीलिए इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर हम लिख दें एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा, थर्ड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री मतलब त्रिघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण। उसके बाद थर्ड डिग्री इक्वेशन इसके बियॉन्ड आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, मैक्सिमम सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही सिलेबस में है, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जैसे कि कहीं भी एक सॉल्यूशन लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके फैक्टर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इक्वेशन है टू रूट्स, तो इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे एक्स इक्वल टू टू कॉमा थ्री। सपोज करो कोई भी ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब इसकी रूट हमें पता नहीं है, तो लेट देयर रूट्स आर, लेट देयर रूट्स आर अल्फा कामा बीटा, तो देन सम ऑफ द रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी बाई ए, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है तो रूट निकाल देंगे, और रूट दे रखा है तो इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इफ अल्फा बीटा आर, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी जीरो, मतलब कहने का क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स एंड अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन, देयर रूट्स आर अल्फा कामा बीटा। तो अगर इक्वेशन दे रखा है तो रूट निकाल लेंगे, और रूट दे रखा है तो इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए,